हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और कंपोनेंट्स की जो नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होते हैं। उनमें जैसे ब्रिजेस एंड स्विच है, हब है और रूटर है। ये सारे कंपोनेंट्स जब कहीं भी कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है या कंप्यूटर आपस में जोड़ के हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे इन कंपोनेंट्स की अलग अलग पर्पज़ से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिज एंड स्विच की। तो देखिए, ब्रिज एंड स्विच, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ब्रिज और स्विच, जैसे आपने देखा भी होगा कि इसमें क्या रहता है कि ए ब्रिज इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर, यानी लेयर टू ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल के बारे में हम लोगों ने OSI और TCP/IP मॉडल के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे, दैट ऑल्सो ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर कौन सी लेयर होती है? लेयर टू होती है। किसमें? OSI मॉडल में, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर मॉडल। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एंड, मतलब कि जो ब्रिजेस होते हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस, ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस। दूसरा हो गया एनकैप्सुलेशन ब्रिजेस, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हो गया सोर्स रूट ब्रिजेस, सोर्स रूट ब्रिजेस। तो ये डिफरेंट तरह के ब्रिजेस होते हैं। इसमें क्या खास बात होती है कि सोर्स रूट ब्रिज जो होते हैं, सोर्स रूट ब्रिजेस आर फॉर टोकन रिंग नेटवर्क। जो सोर्स रूट ब्रिजेस होते हैं वो टोकन रिंग नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्रिजेस अलाउ सेगमेंटिंग ए लोकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स, दस रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब ब्रिजेस का काम क्या होता है कि मान लीजिए एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिस ये पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ब्रिजेस क्या करता है कि इनको कई सेगमेंट्स में, मान लीजिए ऐसे करके इस तरह सेगमेंट 1, 2, 3, पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को 3 सेगमेंट्स में इसने डिवाइड कर दिया, या 4 सेगमेंट, मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करने से क्या होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस हो जाता है तो डेटा कंजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये फायदा होता है ब्रिज का। ए ब्रिज परफॉर्म्स द सेगमेंटिंग फंक्शन बाय एग्जामिनिंग द डेटा लिंक लेयर डेटा पैकेट एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट टू अदर फिजिकल सेगमेंट्स ओनली इफ नेसेसरी। तो ब्रिज क्या करता है कि डेटा पैकेट को अदर फिजिकल सेगमेंट पे तभी भेजता है जब ज़रूरी होता है। बोथ स्विचेस एंड ब्रिजेस फंक्शन यूजिंग डेटा लिंक लेयर एड्रेसिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेसेस। तो दोनों कंपोनेंट, चाहे हम ब्रिज की बात करें और चाहे स्विच की बात करें, ये दोनों जो है मैक एड्रेस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस पे ही बेस काम करते हैं। ठीक है, ब्रिज कैन कनेक्ट ओनली ए फ्यू नेटवर्क्स, लैंस और हॉस्ट। ए ब्रिज हैज़ कंपेरेटिवली लेस पोर्ट्स देन ए स्विच। मतलब ब्रिज में क्या होता है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। ए स्विच हैज़ यूजुअली 24 पोर्ट्स और 48 पोर्ट। तो देखिए, ब्रिज जो है ये तो मान लीजिए चार चार पोर्ट का है, या 8 पोर्ट का है, या 16 पोर्ट का है। स्विच जो है जनरली जो यूज़ होते हैं वो 24 पोर्ट्स के होते हैं या 48 पोर्ट्स के होते हैं। ब्रिजेस एंड स्विचेज आर कंसिडर्ड टू ऑपरेट एट डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो ये चीज़ तो होती है ब्रिज एंड स्विच। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, वो होता है, दैट इज कॉल्ड हब, HUB, हब। ठीक है, हब क्या होता है? हब्स वर द कॉमन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस यूज्ड फॉर लैन कनेक्टिविटी,
बट स्विचेज आर रैपिडली रिप्लेसिंग हब्स। मतलब हब क्या होता है, हब भी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब आज के समय में हब को भी बहुत तेजी से हब के स्थान पे हम लोग स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले हब यूज़ होते थे। हब्स आर डिज़ाइन टू वर्क विद ट्विस्टेड पेयर केबलिंग एंड नॉर्मली यूज RJ45 कनेक्टर। तो हब जो है, पहली बात तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होते थे इसमें, ट्विस्टेड पेयर केबल, और जो कनेक्टर यूज़ होता था वो यूज़ होता था RJ45 कनेक्टर। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस फॉर एग्जांपल सर्वर, वर्क स्टेशन, प्रिंटर, स्कैनर एट्सेट्रा आर अटैच टू द हब बाय इंडिविजुअल नेटवर्क केबल। ठीक है, मतलब नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं आपकी, चाहे सर्वर हो गए, वर्क स्टेशन हो गए, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गया, ये सब अटैच होते थे हब से। कैसे? बाय इंडिविजुअल केबल, अपने अपने केबल से इसको हब से अटैच कर देते थे। हब्स यूजली कम इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, व्हेन ए हब रिसीव्स ए पैकेट ऑफ डेटा एट वन ऑफ इट्स पोर्ट फ्रॉम ए नेटवर्क डिवाइस, इट ट्रांसमिट्स द पैकेट टू ऑल ऑफ इट्स पोर्ट्स टू ऑल द अदर नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब देखिए, हब का मेनली काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक हब लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि इससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। समझ लीजिए ये PC1 एक कंप्यूटर कनेक्टेड है इससे, दूसरा हमने कहा दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है इससे, PC2, फिर हमने कहा कि स्कैनर कनेक्टेड है, फिर हमने कहा प्रिंटर कनेक्टेड है। ये डिफरेंट तरह के डिवाइसेस इससे कनेक्ट रहते हैं। हब का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए PC1 ने कोई डेटा पैकेट इसको भेजा प्रिंट होने के लिए, तो जैसे ही हब रिसीव्स अ पैकेट ऑफ डेटा एट वन ऑफ इट्स पोर्ट, तो जिस पोर्ट पे नेटवर्क कनेक्ट, जिस पे ये कनेक्ट होगा, कंप्यूटर कनेक्ट होगा, ठीक है, उस पे जैसे ही कोई डेटा पैकेट रिसीव होगा, वो क्या करता था, इस पैकेट को बाकी सारे पोर्ट पे वो भेजता है। ठीक है, इट ट्रांसमिट्स द पैकेट टू ऑल ऑफ इट्स पोर्ट टू ऑल अदर नेटवर्क डिवाइसेस। तो जो पैकेट रिसीव होता है उसको सारे पोर्ट्स पे भेजता है, और फिर उस पर मैक एड्रेस के माध्यम से जिस डिवाइस के लिए वो पैकेट होता है वो डिवाइस उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह काम करता है। हम इफ़ टू नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क ट्राई टू सेंड पैकेट्स एट द सेम टाइम ए कोलिजन इज सेट टू अकर। अब मान लीजिए एक ही नेटवर्क पे एक टाइम में जैसे इसने भी डेटा पैकेट भेजा और इसने भी भेजा, ठीक है, और दोनों डेटा पैकेट हब के पास एक साथ रिसीव हुए, तो उस सिचुएशन में दैट इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक, हब्स आर कंसिडर्ड टू ऑपरेट एट फिजिकल लेयर। तो हब जो है वो आप जैसे अभी हमने ब्रिजेज एंड स्विचेस पढ़ा था, वो किस पे ऑपरेट करता था, डेटा लिंक लेयर पे। हब जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर पे, और फिजिकल लेयर जो है OSI मॉडल में Layer 1 होती है, Layer 1 इन OSI मॉडल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये काम होता है हब का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे राउटर की। देखिए राउटर क्या होता है, राउटर इज अनदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस दैट डायरेक्ट्स पैकेट्स थ्रू द नेटवर्क बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो राउटर क्या होता है, ये भी पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, रूट करता है उनको, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड राउटर। लेकिन ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर जो है OSI मॉडल मॉडल में Layer Number 3 होती है इन OSI मॉडल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस है, ये राउटर भी। ए राउटर यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रूट डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। मतलब कि कंप्यूटर से सपोज कीजिए कि ये जैसे कई कंप्यूटर आपस में, ये कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, जुड़े हुए हैं से, इस तरह मान लीजिए। ठीक, और
ये इस तरह जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जो राउटर होता है, अब मान लीजिए ये कंप्यूटर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सपोज कीजिए कि कंप्यूटर 1 से डाटा भेजा गया है कंप्यूटर नंबर 6 के लिए, तो अब कंप्यूटर नंबर 6 के लिए वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये इस पाथ से जाएगा 6 के पास कि इस पाथ से जाएगा, ठीक है, कि यहाँ से आके फिर ऐसे जाएगा, डेरा डिफरेंट पाथ ना। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा सोर्स से और डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कोई भी डेटा पैकेट, वो कौन डिसाइड करता है? वो ये रूटर डिसाइड करता है कि किस पाथ को ये फॉलो करेगा। ए रूटर कैन बी कॉन्फिगर्ड टू रूट डाटा पैकेट्स फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब रूटर के लिए जो नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो कई, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल हो गया, उसके अलावा IPX, SPX प्रोटोकॉल हो गया और एंड एप्पल टॉक। ये वो प्रोटोकॉल है एप्पल टॉक जो रूटर कैसे काम करेगा वो डिसाइड करते हैं। रूटर सेगमेंट लार्ज नेटवर्क्स इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट। तो रूटर क्या करता है कि लार्ज नेटवर्क को, बड़े नेटवर्क को लॉजिकल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो छोटे नेटवर्क क्या कहलाते हैं? सबनेट कहलाते हैं। द डिवीजन ऑफ द नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द लेयर 3 एड्रेसिंग सिस्टम लाइक IP एड्रेसेस। इफ द नेटवर्क लेयर 3 डाटा पैकेट इज एड्रेस टू अनदर डिवाइस ऑन द लोकल सबनेट, द पैकेट डज नॉट क्रॉस द रूटर एंड क्रिएट ए ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम इन अनदर नेटवर्क। मतलब अगर मान लीजिए कि डाटा पैकेट को, इफ द नेटवर्क लेयर डाटा पैकेट इज एड्रेस टू अनदर डिवाइस ऑन द लोकल सबनेट, ठीक है, किसी दूसरी डिवाइस पे अगर उसको रूट किया गया है, भेजा गया है, तो द पैकेट डज नॉट क्रॉस द रूटर एंड क्रिएट ए ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम इन अनदर नेटवर्क। इफ डेटा इज एड्रेस टू कंप्यूटर आउटसाइड द सबनेट, द रूटर फॉरवर्ड्स डेटा टू द एड्रेस नेटवर्क, हेंस रूटिंग ऑफ नेटवर्क डेटा हेल्प्स कंजर्व्स नेटवर्क बैंडविड्थ। और अगर मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे सिस्को 2800 जो कॉमनली यूज राउटर है वो है सिस्को SISCO 2800। ये क्या है? ये एक सीरीज राउटर है। तो मेन है कि राउटर का काम डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में कौन सा रूट फॉलो करना है वो डिसाइड करने का काम रूटर करता है, ताकि ट्रैफिक का कंजेशन ना हो डेटा नेटवर्क में, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस जो आज डिस्कस किए हैं, ब्रिज एंड स्विच हो गया, हब हो गया और रूटर हो गया, ये तीनों भी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं। इसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।